वेलकम स्टूडेंट्स। हाँ जी, वेलकम टू सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि जो वीडियोस हैं आपको रेगुलर मिलती रहे। आज हमारे पास एक ऑर्डर है जी फ्लायर डिज़ाइन का, ठीक है। तो क्लाइंट कह रहा है यहाँ से आप चेक कर लें, $10 का ऑर्डर है, 10 घंटे बाकी हैं। थोड़ा सा जूम कर लूँ, यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आपको आइडिया हो। क्लाइंट कह रहा है कि नीड अ FB एंड इंस्टाग्राम साइज फ्लायर, यानी कि नॉर्मल फ्लायर साइज हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलते हैं, ठीक है। वो कहता है पाम बीच डांस बाश एनिवर्सरी एडिशन, द हॉटेस्ट टू पार्टी रूम इन साउथ फ्लोरिडा। आगे DJ फ्रैंक और डेट ये, और आगे ये वाला एड्रेस। वो कह रहा है कि ये, वो कह रहा है कि ये चीज़ जो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा सैंपल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओ 3 घंटे रह गए, 10 घंटे थे, पता नहीं अब ये क्या सीन है। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्लाइंट का जो नाम है, तो शायद यहाँ मैं फोल्डर के अंदर क्लाइंट का जो नाम है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से ऑर्डर नंबर टू। वैसे तो इसका काफ़ी दफ़ा मैं क्लाइंट का काम कर चुका हूँ, लेकिन ये जो है ना, तो इसका डिटेल जो है ना, ये इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये ऐसा कुछ, यानी कि डिज़ाइन वो चाह रहा है, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन वो क्लाइंट चाह रहा है, ठीक है। इससे पहले दिनों में मैंने, पिछले दिनों में मैंने ना कुछ फ्लायर एक बनाया था उसका, ठीक है। तो उस फ्लायर को भी देख लेते हैं, और ये जो डिटेल सेंड कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ ये डिटेल सेंड कर रहा है कुछ ऐसी पिक्चर, वो कह रहा है कुछ ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, सिल्वर टाइप का शेड होना चाहिए, ऐसा कुछ पाम बीच वंस डांस ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी पिक्चर होनी चाहिए। तो चलें हम शुरू करते हैं। लास्ट टाइम जो डिज़ाइन बनाया था ना मैंने, उसका मैं डिज़ाइन ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। वो डिज़ाइन मैं यहाँ ओपन कर रहा हूँ, और उसी में ही हम लोग चेंजिंग करेंगे, कुछ सिल्वर टाइप का शेड वगैरह बनाएंगे जैसा उसने हमें सैम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, और Adobe में जो फोटोशॉप में डायरेक्ट उसकी फाइल ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। और हम उसके बाद जो है ना डिज़ाइन आगे शुरू करते हैं। तो ये जो खुला हुआ है इसको हम बंद कर देते हैं, कुछ काम हो रहा था। तो क्लाइंट का काम और ये फोटोशॉप, इसको ड्रैग करके ओपन कर लें, ये शायद ओपन हो रही है, वो मैंने स्किप कर दिया है, सॉरी। तो अब क्या करते हैं, ये हो रहा है ओपन, आई थिंक 1-2 सेकंड लगेंगे, इतनी देर में ये ओपन होता है। चेक करते हैं, कैंसिल तो नहीं हो गया। तो हमारे माशाल्लाह आपको पता है सिस्टम भी ऐसे ही है, ठीक है। तो ये फाइल हमारी ओपन हो रही है, ठीक है। ये फाइल मैंने इसको ना, इसका डिज़ाइन ना जो लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। तो अभी कुछ वो सिल्वर टाइप का वो सीन जो है ना वो मांग रहा है, ठीक है, सिल्वर डैशी टाइप का। तो आप साइज़ यही रखते हैं, इंस्टाग्राम का वो कह रहा था थोड़ा सा छोटा साइज़ होता है, तो ज़रा थोड़ा सा स्मॉल कर लेंगे। तो सेव एज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सेव एज, बल्कि ये दूसरी सेव एज ही कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, इसका ये वाला हिस्सा यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये वाला सेक्शन भी हम लोग डिलीट कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम वाला साइज जो होता है बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स होता है, ठीक है। क्या होता है बॉक्स, बॉक्स को हम लोग क्या कर लेते हैं, बॉक्स को हम एक पूरा एक बॉक्स ही बना लेते हैं यहाँ तक, आई थिंक, ठीक है। ये बॉक्स जितना साइज हो गया, अब हम इसको थोड़ा सा ना शुरू करते हैं ढूंढने के लिए। हम क्या करते हैं, हम ले रहे हैं फ्लायर को, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, फ्री पिक पे चले जाए, ठीक है। फ्री पिक पे लिखते हैं फ्लायर, ठीक है, फ्लायर हम ले लेते हैं, और यहाँ से हम उसे बताएंगे कि हमें फ्लायर चाहिए, और कौन सा चाहिए हमें यहाँ से, फोटोशॉप का PSD का, ठीक है। तो ये हमें जितने भी PSD के फ्लायर हैं वो आ जाएंगे यहाँ से, हम चेक कर लेते हैं उससे मिलते जुलते जो है ना। तो बीच टाइप का कोई सीन जो होता है ना, बीच फ्लायर, बीच पार्टी कुछ ऐसा। तो क्योंकि पाम टाइप का उसके फ्लायर है ना, इसका आइडिया है, यानी कि पाम बीच, तो बीच फ्लायर लिखते हैं ज़रा, क्या ख्याल है, बीच फ्लायर, ठीक है। और
ये सारे आइडिया आ गए हैं बीच के हवाले से, ठीक है। ये आइडिया बीच के हवाले से आ चुका है, ये भी बीच के हवाले से है, ये भी बीच के हवाले से। मेरा ख्याल है हम लोग जो है ना यहीं से पूरे का पूरा डिज़ाइन अगर ले लें और उसकी चेंजिंग कर लें, ठीक है, या फिर हम लेते हैं एक सिल्वर सिल्वर जो फ्लायर है ना उसको सर्च आउट करते हैं, शायद कुछ सिल्वर का कुछ सीन मिल जाए हमें, सिल्वर का कुछ स्टाइल कॉम्बिनेशन वो मिल जाए। तो यहाँ से भी वो हमें कुछ ऐसा सीन तो नहीं मिल रहा, तो क्या करते हैं हम एक वेबसाइट्स और है उसको हम ढूंढ लेते हैं, बल्कि आप सिंपल जो है ना बीच वाला सीन है ना जो वो अच्छा है। तो क्लाइंट ने सैंपल लेकिन जो दिया हुआ है वो थोड़ा सिल्वर टाइप का था, तो हम एक और वेबसाइट है वहाँ भी सर्च कर लें, इतनी हमें ये नहीं कि जल्दी को नहीं। एक एलिगेंट है या एलिजेंट है, एलिगेंट है आई थिंक, एलिगेंट फ्लायर ये वेबसाइट है, इस पे काफ़ी सारे जो है टेम्पलेट्स आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आप एक दफा विजिट कर लें, ये सारे के सारे फ्लायर है ना जो PSD आपको फ्री मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑल फ्री भी पे जाएं और यहाँ से फ्लायर के ऊपर आप प्रेस करें और ऑल के ऑल फ्लायर जो है ना वो आपको मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही फ्री है। तो हम क्या करते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ सिल्वर टाइप का अगर कोई कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए तो हम वो डाउनलोड करेंगे और ऊपर हमारा डिज़ाइन जो है ना उसी बैकग्राउंड और लेआउट के ऊपर तैयार होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी मुझे अभी तक सिल्वर वाली कोई लुक जो है नज़र नहीं, ये गोल्ड वाली लुक आ रही है, तो ये अच्छा है। अगर सिल्वर ना मिला तो हम इसी को लेके आगे चलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग आगे, तो शायद आइडिया जो सिल्वर वाला सिल्वर सिल्वर ये कुछ मिलता जुलता है, लेकिन हम और देखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट, तो यहाँ से ज़रा मज़ीद नेक्स्ट। मेरा ख्याल है इतना आगे मेरा ख्याल है अभी हमें जाने की ट्राई नहीं करनी चाहिए फिर आगे। ये अच्छा है, इसका कॉम्बिनेशन फिर हम लोग बना लेंगे बाद में, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये फ्लायर बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, उसकी यानी कि सिल्वर वाली लुक आ रही है। तो हम क्या करते हैं इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब डाउनलोड करना है तो डेफिनेटली आपको जीमेल से जो है ना वो साइन इन करना पड़ेगा, और यानी कि फ्री में है ये, इसका कोई पैसे शैसे नहीं लगते। तो 15 सेकेंड के बाद फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्री वाले हैं ये देख रहे हैं, ये सिल्वर वाला बहुत ज़बरदस्त मिल गया हमें। जो फ्री वाले हैं वो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी जिनके पास पेड हैं जो पैसों वाले हैं वो डेफिनेटली आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये सिल्वर बैकग्राउंड वाला हमें कुछ मिल चुका है, डाउनलोड मैं दोबारा करूँगा। तो ये दोबारा फाइल दूसरी फाइल भी डाउनलोडिंग होना शुरू हो चुकी है, पहले वाली जो है ना वो डाउनलोडिंग फेल हो गई है, लेकिन आप यहाँ से अगर रीसोर्स करेंगे तो दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी हमें हम फोकस इस वाली फाइल पर करेंगे, ये जो डाउनलोडिंग हो रही है। तो यहाँ से ये अब डाउनलोडिंग शुरू हो गई है, ठीक है, और ये फेल हुई थी, मैंने इसे दोबारा रिसोर्स किया। ये थोड़ा सा टाइम लेगी फाइल डाउनलोड होने में, अगर यह आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है। जैसे ये फाइल डाउनलोड होगी हम इसको ओपन करेंगे और इसी के ऊपर डिज़ाइनिंग जो है ना वो शुरू करेंगे। अच्छा, इस ये फाइल साथ साथ डाउनलोड होती है, मैं कुछ बता दूँ, ये जो एलिजेंट फ्लायर है इसमें बहुत सारी फाइलें, तकरीबन आई थिंक 1000 से 2000 ऐसे फ्री फ्री फ्लायर हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को डिज़ाइन बड़े खूबसूरत करके बना के दे सकते हैं, और एक प्रोफेशनल लुक के साथ। ये जो हम बना रहे हैं ना, ये जो आप जब आप देखेंगे ना कंप्लीट फ्लायर जब होगा, तो फिर आपको आइडिया होगा कि हमने कहाँ से डाटा डाउनलोड करके उठा के मिक्स करके उसकी कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है क्लाइंट को चीज़ हमने दी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। इस फाइल को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से उठा के अपने उस मतलूबा फोल्डर के अंदर ही हम ले जाते हैं। ये फाइल हो चुकी है डाउनलोड, यहाँ से मैंने कट कर लिया, कट करने के बाद मैंने यहाँ पेस्ट कर लिया।
अच्छा, फाइल तो हमने यहाँ महफूज कर ली, इसे हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हेयर मेरा ख्याल है पहले हो चुकी है, सॉरी। तो हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं डायरेक्टली फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये हमने फाइल वो पुरानी मेरा ख्याल है ओपन कर ली, तो जो नई फाइल है वो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो ये है कि प्रोफाइल फोटो, ये वाली, इसको डबल क्लिक कर लेते हैं, कीप लेयर के साथ रख लें, ओके कर लें। ये देखिए जो फाइल हमने डाउनलोड की है वो यहाँ आ चुकी है। ऊपर वाला जो है इसको लेयर को डिलीट करते हैं, नीचे ये फाइल है हमारे पास, यानी कि बनी बनाई फाइल है, रेडी है, टेक्स्ट भी बने बनाए हैं, इफेक्ट इसके ऊपर लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है, हमने सिंपल और सिंपल हम करते क्या है, हम इस फाइल के ऊपर वो फाइल को ऐड करेंगे या इसी फाइल का साइज बदल देंगे। तो मेरा ख्याल है इसी फाइल को रहने देते हैं, इसी फाइल के ऊपर ही हम लोग को थोड़ा काम करते हैं। इन टेक्स्ट को मैं हाइड कर लेता हूँ, बाकी टेक्स्ट को मैं, ये लाइट्स है ये भी हाइड रहने, बाकी को मैं डेल कर देता हूँ। ये पत्ते शत्ते जितने भी हैं ना हमारे, ये मैं डेल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है ये पड़ा रहे टेक्स्ट वो ये। अब हमने क्या करना है, ये जो हाइड लाइट्स वगैरह ये मैंने हाइड कर दिए लेयर के अंदर, ठीक है। हाइड करने के बाद अब जाते हैं, ये देखे ना ये वाला पीस तो हमें चाहिए नहीं, ये जो इसकी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। और यहाँ ये जो बैकग्राउंड है, हमें असल में बैकग्राउंड नहीं चाहिए, अनग्रुप कर लेता हूँ बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड को हम पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया मैंने बैकग्राउंड को, और उठा के यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है ना सिल्वर यहाँ लेके आ रहा हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे, कंट्रोल टी करके मैंने इसको सिल्वर को थोड़ा बड़ा कर लिया, ये चीज़ ये मैंने बड़ा कर लिया। तो सिल्वर को मज़ीद थोड़ा सा हम इस लेआउट को बड़ा कर लेते हैं और अब यहाँ तक आ गया। अब देखें ये ऑब्जेक्ट जो पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको कंट्रोल टी करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि उसको एडजस्ट कर लूँ यहाँ। अब ये जो आप देख रहे हैं इसको मास्क में यूज हुआ है, तो थोड़ा सा मास्क में सॉफ्ट ब्रश लेके, यानी कि जो है ना ब्रश लेता हूँ मैं। ब्रश लेने के बाद मैं यहाँ से ब्रश जो लेना है मैंने वो सॉफ्ट ब्रश लेते हैं, और ये थोड़ा सा ब्रश जो है ना ब्लैक कलर का ये हम यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि फील ना हो उसकी जो सल्वेट्स हैं जो वो फील ना हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब उसने क्या दिया हुआ है, उसने जो डिज़ाइन दिया हुआ है वो आप चेक कर लें। उसने क्लाइंट ने डिज़ाइन जो दिया हुआ है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ ताकि देखें कि क्लाइंट जो है ना वो क्या बेसिकली डिमांड कर रहा है, उसको वो क्या चाहता क्या है, कैसा हो स्टाइल, कैसा डिज़ाइन हो। वो कहता है ऐसा कुछ हो, एक फ़ोटो आ जाए और ऐसा मैं लगा लूँ, और जो ईज़िली मेरा फोटोशॉप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे यूज़ हो सके। तो यहाँ से आ गया, तस्वीर हम ले लेते हैं कपल की। कपल तस्वीर लेने के लिए हमें, हम लेते हैं कपल CAP कपल पिक्चर्स, CUPLE कपल पिक्चर्स, कपल पिक्चर आ गए, ठीक है। कपल पिक्चर की हम लोग ले लेते हैं, अगर हम PNG लेते और डांस कपल अगर हम लिख दें तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसका काम जो है ना डांस पार्टी वाला फंक्शन जो है ना वो है। तो हम कपल डांस ले लेते हैं, तो यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, हाई रेजोल्यूशन पे देखते हैं, तो शायद कपल जो है ना वो हाई रेजोल्यूशन में आ गया हमारे पास। तो आई थिंक के ये तस्वीर बड़ी हाई रेजोल्यूशन में ले लेते हैं, और इसको हाई रेजोल्यूशन में ले लेते हैं, देख लेते हैं। और जो है इस फोटो को हाई रेजोल्यूशन में देखते हैं कुछ अगर मिल जाती है इसमें से, तो साथ ही इस फोटो को देख लेते हैं। अक्सर PNG में ना जो नहीं मिल पाती, तो डांस कपल आप फ्री पिक पे भी आप तलाश कर लें, फ्री पिक जो वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी सारी पिक्चर्स इमेजेस आपको फ्री मिल जाती है, ठीक है। तो फ्री पिक में डांस कपल आप लिखेंगे तो डेफिनेटली आपके पास डांस कपल की तस्वीरें, ये एक है तस्वीर, ये तस्वीर है डांस कपल की, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है जो पहले हमने उसी के फ्लायर में यूज़ की थी, ठीक है। तो मेरा ख्याल है इसी को हम यूज़ करेंगे जो दोबारा, चलो फिर देख लेते हैं कौन सी यूज़ होती है। जो हमने डाउनलोड किया है, एक ये है लेकिन ये कुछ ख़ास जो है ना वो
नहीं है। तो अलीसा कपल डांस मेरा ख्याल है कि हम लोग इस पिक्चर को यूज कर लें, ये कुछ बेहतर है। लेकिन वो क्लाइंट पे डिपेंड होगा कि क्लाइंट क्या कहता है, वो फिर हम बाद में रद्दबदल चेंजिंग मॉडिफिकेशन वो हमारी हो जाएगी पिक्चर की एडिटिंग और चेंजिंग, वो क्लाइंट के मुताबिक हम लोग देख लेंगे। फिल वक्त एक दो तस्वीरें हम रख लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इस पिक्चर को ले लिया है और फोटोशॉप में इसको बैकग्राउंड को साइड पे, तो ये तो ओपन भी नहीं हो रही, और इसकी दूसरी पिक्चर जो है वो देखते हैं ये क्या करता है कि ये भी ओपन नहीं हो रही। कई दफ़ा फाइलें जो होती हैं ना वो एरर वाली फाइलें आती हैं, जेपीजी फाइलें जो है ना एरर वाली फाइलें, तो हम इसमें पीएनजी लिखते हैं। फ्री पिक में शायद यहाँ से हमें कोई कपल पिक्चर पीएनजी में शायद मिल जाए, यहाँ से नहीं मिल रही। तो फिल वक्त हम क्या कर रहे हैं, वो पिछली वाली तस्वीर जो है ना, वो पिछली वाली जो क्लाइंट है ना, पिछला वाला ही मतलब उसी की, इससे पिछला जो ऑर्डर है वो हमने उससे यूज़ की है तस्वीर, तो फिल वक्त हम लोग उसी को यूज़ कर रहे हैं। डिज़ाइन एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए फिर बाद में देखते हैं कि हमने उसको उसकी पिक्चर बदल के फिर हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो तस्वीरें तो मैंने फाइंड आउट किया लेकिन कोई अच्छी मिली नहीं, तो पुराने वाली तस्वीर फिर वक्त हम आरजी तौर पे यूज करते हैं। बाद में हम एंड पे देखेंगे, थोड़ा सा टाइम एंड पे हम लोग लगा लेंगे कि तस्वीर पे जो है ना ये तस्वीर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और ये मैंने यहाँ तस्वीर रख ली है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल टी करके थोड़ी सा तस्वीर का साइज छोटा कर लेता हूँ, छोटा करने के बाद इस तस्वीर को मैं मास्क के अंदर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मास्क के अंदर मैं जो बाकी एरिया है वो सारा जो है ना मैं इसका रिमूव कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, समय जितनी तस्वीर चाहिए उतना ही रखेंगे, ठीक है। अब देखें क्या करना है, क्लाइंट की तरह हेडिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, मेन जो हमारा काम की तरफ हम जाए ना, ताकि हमारा टाइम जो है ना वो ज़रा बच जाए, ठीक है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ से देखें ये है पाम बीच डांस, तो पाम बीच डांस जो बश है यहाँ पे देखें ना, इसका जो डिज़ाइन है ये जो ये छोटा साइज का लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसी का साइज छोटा कर रहे हैं, तो ये मैं साइज जो है ना वो पकड़ के छोटा कर रहा हूँ साइज, ठीक है, यहाँ पे ओके। अब क्या करना है, तो जो दूसरा है वो देखें ना, वो गोल्ड टाइप का, तो उसका बोल्ड करते हैं, एनिवर्सरी एडिशन जो है इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी करते हैं, और थोड़ा सा गोल्ड कलर वाला सीन जो है वो कॉम्बिनेशन, और इसका फॉन्ट में लगा रहा हूँ गो बोल्ड, क्या लगा रहा हूँ गो बोल्ड लगा रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा सा आप जूम करके देखें, अब गो बोल्ड जो फॉन्ट है ना, गो बोल्ड फॉन्ट है, उसको आप अगर टेक्स्ट करेक्टर में देखें बोल्ड हुआ है, तो मैं बोल्ड ख़त्म कर रहा हूँ और इसकी जो स्पेस है वो थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और अब देखेंगे आप यहाँ पे ये जो मैंने फॉन्ट जो है ये वाला फॉन्ट स्टाइल देख रहे हैं आप, ये वाला इसी का जितना भी टाइटल का ही, आप देखिए सर इसको मैं कर रहा हूँ अनग्रो, इसके ऊपर जो इफेक्ट लगा हुआ है ना वो मैं इफेक्ट कॉपी कर रहा हूँ, और मैं अपनी इस लेयर वाली पे वही इफेक्ट मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए वही इफेक्ट जो है ना यहाँ पेस्ट हो चुका है, यहाँ आप देख रहे हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो फाइल ओपन है ये वाली फाइल है वो है CMYK, क्या है CMYK, तो यहाँ पे जो मैं फाइल कॉपी कर रहा हूँ वो है RGB, तो यहाँ से इमेज मोड के अंदर मैं जा रहा हूँ CMYK में कन्वर्ट करने, और डोंट रिस्टराइज लेयर, डोंट मर्ज, यानी कि मर्ज भी नहीं करना, ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कलर किया है आप देख रहे हैं RGB से CMYK, तो देखते हैं कि कितना फ़र्क इफेक्ट पे जो हमारा पड़ता है वो देखते हैं, जो उन्होंने इफेक्ट बनाया हुआ है सेम टू सेम
तो क्या वो इधर अप्लाई होता है या नहीं। ठीक है, ये सी एम आई की फाइल है जिसमें से हम कॉपी करके ला रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा मैं फाइल कॉपी करके ला रहा हूँ यहाँ से, ये सेम इफेक्ट है, तो ये यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसी इफेक्ट के ऊपर मैं इफेक्ट को दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने पेस्ट किया है, लेकिन इस पे आउटर ग्लो ऑफ है, इनर ग्लो ऑफ है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसके ऊपर कोई इफेक्ट डाला हुआ है, तो ये इफेक्ट अप्लाई हुआ तो है लेकिन शायद इसमें कुछ ऑप्शन डार्क हो गया हो। देखें ज़रा, आउटर ग्लो जो है वो देखते हैं थोड़ी कम करने वाली है, तो देखते हैं आउटर ग्लो थोड़ी कम करते हैं, देखते हैं आउटर ग्लो, आउटर शेडो जो है बहुत शेडो ज़्यादा है, आउटर ड्रॉप शेडो है, ओवरले है, स्टेन को ख़त्म करते हैं ज़रा। हाँ, अब कुछ लुक वो बन रही है, वो हम बनाते हैं इसको। बल्कि इसकी स्पेसिंग सेट करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट लगा लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट का जो इफेक्ट है वो हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड का इफेक्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं इसको। ठीक है, और इसका फॉन्ट हम चेंज करते हैं ज़रा, यहाँ पर देखते हैं फॉन्ट हम चेक करते हैं, गो बोल्ड फॉन्ट चेक करते हैं, तो गो बोल्ड फॉन्ट को चेक करने के बाद जैसे कि इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ फॉन्ट को, ये फॉन्ट इधर आ गया। ठीक, इसी फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं और इसी फॉन्ट का जो है ना वो टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं, इसी टेक्स्ट के अंदर पेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा फॉन्ट हो गया, बड़ा नहीं करते, क्या करते हैं इसी फॉन्ट का कॉपी कर लेते हैं और इसी के ऊपर पेस्ट करते हैं। लेकिन वो फॉन्ट थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम उसी फॉन्ट का टाइप कर लेते हैं, बस एनिवर्सरी एडिशन। तो वही सेम फॉन्ट जो है ना, वो सेम फॉन्ट हमारे पास यहाँ आ चुका है यहाँ पे, और इसको हम लोग डिलीट कर रहे हैं, ये फॉन्ट में यहाँ रख रहे हैं। ठीक हो गया, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है, क्लाइंट का क्या सवाल है। द हॉटेस्ट टू पार्टी इन फ्लोरिडा, तो यहाँ से देखते हैं हमारे डिजाइन के अंदर क्लाइंट ने कैसे डाला हुआ है द हॉटेस्ट टू पार्टी फ्लोरिडा। ठीक है, बड़ा करके उसने हेडिंग में डाला हुआ, तो हमने उसको क्या कर लेते हैं, हॉटेस्ट टू पार्टी जो है इसको बोल्ड ख़त्म कर देते हैं, हॉटेस्ट टू पार्टी फ्लोरिडा हम कर लेते हैं गो बोल्ड। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ये चीज़, और साथ है हमारे पास डिटेल है डीजे एंड ये वाली चीज। ठीक है, और इसी का हम नाम दे लेते हैं नीचे, थोड़ा सा स्मॉल करके, ये आ गया हमारे पास डीजे फ्रेंक और गेस्ट डीजे जो आ गए हैं दूसरा हमारा।
अब क्या है जी, ये थोड़ी सी तस्वीर ऊपर कर लेते हैं, इन सब को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर कर लेते। अब हमारे पास आ गया जी, आगे लोकेशन आ गई है। लोकेशन की हम लोग एक पट्टी डाल लेते हैं, इसका कलर सिल्वर और एड्रेस हमारा ऊपर। यहां से हम लोग लेफ्ट साइड, थोड़ा सा स्मॉल साइज, पट्टी का साइज थोड़ा सा छोटा, ठीक है। सेव कर रहा हूँ एक दफा, और यहाँ पे लिखा हुआ है जो देना है, डेट है 14 नवंबर, कवर प्राइस है $20, फ्री वैलेट पार्किंग है, और ये क्या है, मोड फेस मास्क रिक्वायर्ड एंड टेम्परेचर टेकन एट डोर। ये चारों ऑप्शन हैं इसके, ये वाले, ये तीन ऑप्शन हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे इधर, ये बल्कि दोनों, ये दोनों ऑप्शंस को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं इधर। और ये चीज यहाँ से इसको हम लोग करेंगे, कुछ अब इस फॉन्ट को जरा बदल लेते हैं, गौथम, ठीक है, गौथम फॉन्ट ले लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और अपर केस खत्म कर लेते हैं, और इसको ज़रा फॉन्ट छोटा साइज कर लेते हैं, और ये जो है ना, ये ऑप्शन दोनों में ही है, दो सेक्शन में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है थोड़ा सा इसके दोनों के गेट स्पेस जो है ना वो हम बढ़ा देते हैं, ये आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ तक हमारा जो फ्लायर है वो आधा जो फ्लायर है वो रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, अभी थोड़ी सी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, शश्के मशके जो डालने हैं ना वो हम डाल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, हमने जेन्युइन फ्लायर था इसका, ये वाली फाइल जरा जूम कर लें थोड़ा सा, ये जो फ्लायर है ना इसके ऊपर से ये वाली, ये स्टाइल जो है वो हम अपने फ्लायर के ऊपर यहाँ लेके जा रहे हैं इधर रखेंगे, ठीक है। और अच्छा, इसके ऊपर ये जो चीजें हैं इसको भी हम लोग वहां लेके जा रहे हैं, ताकि ये लुक जो है ना वो हमारी बनाएंगे फ्लायर के ऊपर। इन इन चीज़ों को भी मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इनको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, थोड़ा जूम कर लें और इसको यहाँ रखेंगे और अनग्रुप कर लें, अनग्रुप लिख रखने के बाद इसको यहाँ कर लें और इसको एक को यहाँ कर लें, ठीक है। सेम सेम वो फ्लायर नहीं बना देना, लेकिन ये है कि चलो हमने थोड़ी बहुत है उसके लिए, और वो ये बीच के हवाले से है ना थोड़ा सा, तो बीच वाली लुक भी हमने थोड़ी सी डालनी है, ठीक है। तो जो हमारा पुराना फ्लायर था बना हुआ ये वाला, इसमें ना वो बीच वाली लुक भी ये वाली थी, तो इसको हम थोड़ी सी बीच वाली लुक भी डालेंगे, ये इसको हम अनग्रुप कर रहे हैं, ठीक है।
अनग्रुप करने के बाद ये पार्टी थोड़ी सी ऐसे ये चीज़ ये कंट्रोल टी करके नहीं थो, थोड़ा सा शश का जो है ना इसके इसके पत्ते बीच वाले आ रहे चलो, ये नीचे वाले का जो है ना वो हम थोड़ा सा इसको ट्राई भी कर दें तो अच्छी बात है। ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये फिर वो जो है ना मोर शोर वाला सीन बन जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे शश की कंट्रोल टी करके रिफ्लेक्ट कर लें आप, रिफ्लेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा ये सीन डालें। अभी क्या है ये वाला जो पत्तों वाला सीन है थोड़ा सा इसके डैशी वाला सीन आना चाहिए पत्तों वाला, यहाँ पर अनग्रुप कर लेते हैं और ये पत्ते इधर से हटा देते हैं। ये जो आ गए अच्छा यहाँ तक ये क्लियर है और मिसिंग ना हो चेक करते हैं फिर बाद में हम लोग इसमें इनको ना अगर पसंद नहीं आएंगे तो हम इसको माइनस करेंगे ये चीज़, ठीक है। अगर ये चीज़ हमें पसंद नहीं आती तो हम इसको क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे। लासो टूल के साथ आप देख ले कितना सिलेक्टेड एरिया आपको चाहिए, देखो सिर्फ इतना सा एरिया हम रखेंगे। अगर नहीं अच्छा लग रहा ओके, ताकि ज्यादा ना हो जाए तो हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं ऊपर वाला ऐसा भी रिमूव। अब हम रह गए हैं हमारी बस दो चीज़ें, एक है नवंबर 14, ठीक है। ये डेट जो है ना वो ज़बरदस्त डेट है जो हमने हर हाल में ऐड करनी है। ये जो है इसी को ऊपर लेके आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नवंबर 14, 14 को हम यहाँ से काट लेते हैं। 14 को मैंने काट लिया है और नवंबर आप यहाँ लिखे, नवंबर हम लिखेंगे इधर जो कि आप देख रहे हैं नवंबर, और यहाँ पे हम 14 लिखे जो कि हम ऐसे करके बड़ा करें नवंबर 14 है। इसको कंट्रोल टी करके हम ऐसे करेंगे, ठीक हो गया जी। अब हम लेते हैं एक और शेप लेते हैं यहाँ से राउंड, ठीक है राउंड एक शेप लेते हैं यहाँ से ये शेप, और इसका ग्रेडियंट हम यही जो है ना कलर है ग्रेडियंट जो अप्लाई हुआ है यहाँ से आई थिंक हम क्या करते हैं इस ग्रेडियंट को क्या करते हैं न्यू ग्रेडियंट सेव ग्रेडियंट सेव नहीं इसको हम ऐड कर लेते हैं न्यू ग्रेडियंट ऐड कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं इसी के ऊपर हम ब्लेंडिंग ऑप्शन ग्रेडियंट और सबसे एंड पे ग्रेडियंट ये वाला हमने यही ग्रेडियंट इधर रखेंगे और जो हमारी डेट है जो हमने टेक्स्ट लिखना है वो हम लिख रहे हैं जी क्या है टेक्स्ट हमारा कॉपी प्राइस $20 कवर प्राइस ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग $20
थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि अब आइडिया नहीं है कि ये उसने गॉथम इतना हाइड करवाना भी है, हाईलाइट करवाना भी है टेक्स्ट या नहीं। तो हम उसको ऐसा ना होना कि हम ऐसे ही उसको हाईलाइट करके दे रहे हैं। और कवर प्राइस थोड़ा सा जूम कर लें, ये हम यहाँ रखें, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा इधर करें, इसको इसको और इसको तीनों को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल टी के साथ ऐसे, ये हो गया हमारा यहाँ तक पीस, ओके हो गया जी। यहाँ तक जो है ना हमारा ऑलमोस्ट फ्लायर जो है डन हो चुका है, लेकिन फिर भी ये जो पिक्चर के ऊपर एक पत्ता पड़ा हुआ है ये वाला, इसको बाहर रखते हैं। तस्वीर जो है ये देखें, पूरी तस्वीर भी क्लियरली दिख नहीं रही थी, तो तस्वीर को हम अनमास्क कर लेते हैं, थोड़ा सा पिक्चर को हम लोग अनमास्क कर लेते हैं यहाँ तक। और ये जो हमारा ब्रश है इसको ऊपर करके इसको थोड़ी सी आउटलाइन दे देते हैं ताकि वो हमारा डिस्टर्बेंस एरिया हो जाए कवर। तो ये मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद है यहाँ पे अब हमारा जो है ये फिटनेस फ्रैंक वाला है, थोड़ा सा ना ये लग रहा है ये थोड़ा सा दिखने में मुश्किल हो रही है। तो एम्बोज का जो साइज़ है ना, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं कम करूँ तो कैसा लगता है। तो ये एम्बोज का मैंने साइज़ तो कम किया है, तो ये मल्टी में थोड़ी सी शेड कम कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा कम करूँ तो मेरा ख्याल है ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये सेम कलर में ना होना चाहिए दूसरे वाला। तो यहाँ तक ये जो है ना ये हमारा फ्लायर रेडी हो चुका है। अब देखते हैं इसको सेव कर लूँ, अब मैं देखता हूँ इसमें क्या क्या एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें पूरी हैं हमारी, ये कोई चीज़ मिस तो नहीं। तो ये जो $20 ये A14 है इसके ऊपर आउट लाइन हम लगा लें थोड़ी सी ताकि इसको कंप्लीट कर लें। इसको भी मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ तक, ठीक है। नवंबर को भी मैंने आई थिंक मुझे आउट लाइन लगा लेनी चाहिए, आई थिंक इससे थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा फ्लायर रेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सबसे ऊपर एक ब्लैक फ्लायर यानी कि ब्लैक जो है वो एक लगा रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैं रेज़र कर रहा हूँ, रेज़र के साथ मैं रेज कर रहा हूँ। और मैं कहाँ से रेज कर रहा हूँ ये देखिए, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे करके रेज कर रहा हूँ और उसको प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, ये देखिए आर्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लिया, और इसके साथ भी मैंने इसको ऐसे प्रोमिनेंट कर लिया। और अब मैंने ये, अब फ्लायर हमारा तैयार है। हमने कुछ लाइट्स ऑफ की थी, शायद आपको मैंने शुरू में बताया था, हमने लाइट्स वगैरह यहाँ पे ऑफ की, तो लाइट्स मैं ऑन कर रहा हूँ, ऊपर लेके आ रहा हूँ लाइट्स को। लाइट्स कहाँ हैं दिख नहीं रही, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ नीचे और जाते हैं, शायद हमें नज़र आए लाइट्स, ये लाइट्स थी हमारे, हमने लाइट्स की कॉपी की है। लाइट्स कहाँ हैं, कंट्रोल टी करते हैं, एंटी है लाइट्स। तो यहाँ पर शायद हमने इसमें लाइट्स ये पड़ी हुई है, तो इधर से लाइट्स हम ले आते हैं थोड़ी सी, यहाँ एक लाइट्स रख लेते हैं, जूम कर लें थोड़ा सा। तो ये लाइट्स जो है ना ये हम यहाँ रखेंगे, थोड़ा सा वो थोड़ा सा जो झलक दिखे, हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल थोड़ा सा फीका फीका नहीं है, ताकि वो हमारा सही चिल वाला थोड़ी सी लुक आ जाए। ये हमारा यहाँ तक आ गया है, उसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा वैसे भी हम नीचे कर लेते हैं पकड़ के आर्ट के साथ। तो ये जी फ्लायर अब हमारा तैयार है, इसकी JPG बनाते हैं और क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। तस्वीर क्लाइंट जो है ना वो चेंज करवा लेगा हमसे बाद में, ठीक है। फ्लायर डिज़ाइन ये मैं सेव कर रहा हूँ, आप चेक करें और मुझे बताएं कि फ्लायर कहाँ से स्टार्ट किया हमने, कैसे स्टार्ट लिया और कहाँ आज जाके हम क्लाइंट को
भेज रहे हैं। उम्मीद है आपको फ्लायर कैसे डिज़ाइन करते हैं उसका आइडिया हो चुका होगा फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे क्लाइंट को करता हूँ डिलीवर, ये सिलेक्शन हुई पड़ी है इधर, तो रीसेट करते हैं। तो टाइम भी आई थिंक 3 घंटे रह गए थे, तो क्लाइंट को डिलीवर यहाँ से करते हैं। हेयर इज अ सम डिलीवरी, क्लाइंट को बताते हैं, वो फिर अगर मॉडिफिकेशन मांगेगा तो वो फिर हम बात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फोल्डर अकाउंट फाइवर और ये फ्लायर दोनों साइड पे डिलीवर फिल वक्त कर दें, उसको बताएं अगर चेंजिंग हो तो वो बता दें। उम्मीद है आपको कि फ्लायर डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको मज़ीद कोई सवाल है, क्योंकि काम करने के दौरान यहाँ पे थोड़ी जल्दी की जाती है तो थोड़ा सा आपको शायद समझ ना आए किसी बात की, और आपको कोई इफेक्ट की समझ ना आए या जो फीचर्स हैं वो कैसे यूज़ करने हैं उसकी समझ ना आए, तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल जो है हमारा सरगोधा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। नेट जरा सिस्टम मेरा ज़रा स्लो हो गया है, तो ये थी जी आज के लिए वीडियो, ठीक है। अगली वीडियो में ना आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं, ताकि आप जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जल्दी से जल्दी एक्सपर्ट बन सको, ठीक है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में।